महासंग्राम 2022 में कुर्सी की जंग, हम दिखाएंगे किसने किया कितना काम, किसको चुनेगी जनता, किसकी बनेगी सरकार, जनता से होगी सीधी बात, हर विधानसभा क्षेत्र का लेखा जोखा होगा आपके सामने, किस प्रत्याशी में कितना दम, देखिए 7 इंडिया न्यूज पर। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल लागू करने का वादा कर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव 2022 में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में व्याप्त जातिवाद और बेरोजगारी को खत्म कर जनता को बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क देने की घोषणा की है। आगरा उत्तर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कपिल वाजपेयी ने भाजपा की सरकार को जनविरोधी सरकार करार देते हुए प्रदेश में आपकी सरकार बनाने का दावा किया है। दिल्ली के बाद आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाने का मन बना लिया है, इसी के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन करने आए हैं। हमारे साथ हैं कपिल वाजपेयी जी। कपिल वाजपेयी से पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण विषय उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर है। महिला सुरक्षा का, लड़कियों को रातों रात जला दिया जाता है, बलात्कार की घटनाओं को सामान्य घटना कहा जाता है, ये किसी भी प्रकार से चलेगा नहीं। दूसरा, भूमाफियाओं को संरक्षण देने वाले विधायक नहीं चलेंगे, भूमाफियाओं के बिल्डिंग में अपना कार्यालय खोलने वाला विधायक नहीं चलेगा, और ऐसे भी विधायक नहीं चलेंगे जिनके ऊपर 50-50, 60-60 मुकदमे हों। वो शिक्षा के माफिया, अलग अलग पार्टियां अलग अलग पुलिस अपराधियों को टिकट दे रही हैं। मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है और मुझे टिकट दिया। मैं लंबे समय से राजनीति में, लोग कहते हैं राजनीति में तो मुकदमे लगेंगे, मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं। शुचिता का पालन करते हुए, राजनीतिक शुचिता का पालन करते हुए हम लोग यहां पर हैं और आने वाले दिनों में इन्हीं सब मुद्दों के संग में जनता के बीच में भी होंगे। हमारा विधायक, वर्तमान का विधायक लापता है, हम मोहल्ले में ढूंढते हैं, वो सेलेक्टिव लोगों किया जाता है, फलानी जात के, फलाने पैसे वाले व्यक्ति के, रसूख वाले व्यक्ति के यहाँ जाता है, हमारे मोहल्ले में नहीं आता। हमने खुला आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये आमंत्रण देता हूँ कि भाई माननीय विधायक जी, मेरे यहाँ भी आ जाओ, मेरे यहाँ भी चाय पी लो, एक बार बहस कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे बात कर लेते हैं, लेकिन उन पर फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें यहाँ जाना ही नहीं है, उन्हें सेलेक्टिव लोगों के यहाँ जाना है। वो चुनिंदा लोगों के यहाँ जाएंगे, चुनिंदा बातें करेंगे और वोट को जाति के आधार पर खरीदने का प्रयास। किस विधानसभा से चुनाव? मैं उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। प्राथमिकता के तौर पर बेहतर और सीवर वाला जो गंदा पानी आ रहा है उसे रोकने का सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। महिला सुरक्षा का विषय रहेगा। जो सड़कें हैं गड्ढे के रूप में, बड़ी बड़ी सड़कें हो गई हैं गड्ढा वाला एरिया, उसको पाटने की व्यवस्था रहेगी। मोहल्ले के पार्कों का डेवलप करने की बात रहेगी। अपने क्षेत्र में जिस भी प्रकार से लोगों को रोजगार प्रदान हो सकता है ऐसे प्रस्ताव विधानसभा में पास कराने का प्रयास भी करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है जातिवाद की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ क्या होता है भाजपा करना चाहती है, तो इस पर किस तरह से जीत आप हासिल करेंगे? जिस तरह आप पार्टी इस वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या होता है सुरक्षा की बात करती है, तो आप किस तरह से? ये बात दिल्ली में कहा गया था कि दिल्ली में भी जाति की, उत्तर प्रदेश में भी लोग रहते हैं, सम्मानित गणमान्य नागरिक रहता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश को देश का पेट कहा जाता है, राजनीति का पेट उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, दिल उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। जब दिल्ली में लोगों को समझ में आ सकती थी ये बात, तो उत्तर प्रदेश में भी समझ में आएगी। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ें, लोग चाहते हैं कि उनके मरीजों को भी सही इलाज मिले, लोग चाहते हैं कि वहां पर लाइनों में खड़े होकर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मांगना पड़े, और लोग चाहते हैं कि अच्छा इलाज दिल्ली की तरह हो। यहां से आज कोई अगर बीमार हो जाता है रेफर टू दिल्ली, आगरे में क्यों नहीं होता, कानपुर में क्यों नहीं होता, लखनऊ में क्यों नहीं करते रेफर? क्योंकि यहां पर इलाज नहीं है, ऐसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर करा जाता है। सर, हमें इस सब चीज को यहां पर, और जब जाकर देखते हैं वहां डॉक्टर कौन है, वहां डॉक्टर जो है वो फलाने यादव जी, फलाने शर्मा जी, फलाने वाजपेयी जी, ये सारे के सारे डॉक्टर कहां के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। राम नाम से कैसे जीतेंगे? जैसे तो योगी जी कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, मथुरा में बनवाएंगे, अयोध्या में बनवाएंगे, तो राम नाम से कैसे जीतेंगे? सर, राम नाम किसी के ब्रांड नहीं है। मैं खुद हनुमान जी का परम भक्त हूँ, और राम नाम हमने भी कोई राम नाम की वो नहीं है कि हमें कोई, हमारे लिए राम नाम कोई गलत नाम नहीं है, हमारे लिए भी राम नाम पूरा हमारा नाम है, और हम राम का नाम लेते हुए इस पूरे के पूरे, और योगी जी ने कहा तो राम नाम, मुंह में वो पुरानी कहावत है, मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। कितने लोगों की हत्या कर दी भाई, पहले गाड़ियां पलटती थी, अब गाड़ी पलटने वाली सरकार पलटेगी, अब ये गाड़ियां नहीं पलटेंगी। पुलिस को बदनाम करके रख दिया उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर ठोक दो, ये दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र है, आप
जाकर कोर्ट में पेश करने की बजाय किसी भी जाति विशेष के संघ खुन्नस निकालकर उसको ठोंक देते हैं। यादव है तो यादव को मारेंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को मारेंगे, मुसलमान है तो वो तो गद्दार हो ही गया। ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे इस सब चीज पे रोक लगाएंगे, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो या जो बाकी सब छुटवैया हो, इन सबको दौड़ लगवाएंगे। पिछले दिनों एक विधायक आपकी के चैनल पे मैंने देखा था, एक रिपोर्ट थी कि टिकट कटने के कारण से रो रहा था, तब राम नाम याद नहीं आ रहे थे, तब उसको नानी याद आ रही थी कि भाई मेरी टिकट कट गई। उनको टिकट कटने का डर आता है, हमको काम करने का डर है और हमने काम करके भी दिखाया। योगी जी कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आएंगी तो कोई मंदिर नहीं बन पाएगा, कोई विकास नहीं हो पाएगा, ये सब देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं ये सब लोग। हाँ, ये अच्छा प्रश्न पूछा और ऐसे प्रश्न की बड़ी आवश्यकता थी। सर, मंदिर तो बनेगा, मंदिर योगी जी नहीं बना रहे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। और अगर योगी जी दोबारा आ गए तो एक बात जरूर है, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। योगी जी के गोरखपुर में हत्याएं हुई थी बच्चों की और योगी जी ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे बच्चों को। योगी जी पढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं दे पाएंगे। योगी जी हॉस्पिटल में माताओं को, हमने हमारे सेक्टर 7 में एक माँ ने, एक पत्नी ने एक पति के मुंह में ऑक्सीजन देने के लिए मुंह से मुंह जोड़कर, ये स्थिति। और तो और हिंदुओं को कफन दफन की स्थिति आ गई थी और कफन भी इन्होंने नुचवा दिया था, राम नामी दुपट्टा था गंगा के घाट पे, सबने देखा था। योगी जी आएंगे तो ये कुकर्म होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल और हम लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी आएगी, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। धोखे वाले काम नहीं करेंगे, लफबाजी वाले काम नहीं करेंगे, ये जुमलेबाज लोग हैं, तड़ीपार लोग हैं और हम बोलेंगे इस बात। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कपिल वाजपेयी जी, कपिल वाजपेयी का ये कहना है कि इस बार राम नाम नहीं चलेगा, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। जो प्रदेश की जनता है वह योगी जी के सारे प्रलोभन को समझ चुकी है। इस बार अगर वाजपेयी जी की बात माने तो प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। 7 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।